हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी किड्स टीवी। टुडे वी लर्न अबाउट फैमिली मेंबर एंड रिलेटिव्स नेम। हमारे आसपास हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि पापा मम्मी, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी और भी लोग, इन्हें हम रिलेटिव्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं दादा। दादा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ये हैं दादी। दादी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। ये हैं पिता। पिता को अंग्रेजी में कहते हैं फादर, फादर। ये हैं माँ। माँ को अंग्रेजी में कहते हैं मदर, मदर। ये है बेटा। बेटा को अंग्रेजी में कहते हैं सन, सन। ये है बेटी। बेटी को अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर। ये है भाई। भाई को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदर, ब्रदर। ये है बहन। बहन को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टर, सिस्टर। ये है चाचा या ताऊ। चाचा या ताऊ को अंग्रेजी में कहते हैं अंकल। ये है चाची, ताई या बुआ, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं आंट या आंटी। ये है नाना। नाना को अंग्रेजी में कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। ये है नानी। नानी को अंग्रेजी में कहते हैं मैटरनल ग्रैंडमदर। ये है बच्चों मामा या मौसा, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं मैटरनल अंकल। ये है मामी या मौसी, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं मैटरनल आंट। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई बहन को अंग्रेजी में कहते हैं कजिन, कजिन। पति, पति को अंग्रेजी में कहते हैं हस्बैंड। ये है पत्नी। पत्नी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। ये है जीजा या साला। जीजा या साला को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। भाभी, साली, जेठानी, देवरानी या ननद को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। भतीजा या भांजा को अंग्रेजी में कहते हैं नेफ्यू, नेफ्यू। भतीजी या भांजी को अंग्रेजी में कहते हैं निस, निस। पोता या नवासा को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंडसन। पोती या नवासी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंड डॉटर। बहू को अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर इन लॉ। दामाद को अंग्रेजी में कहते हैं सन इन लॉ। ससुर को अंग्रेजी में कहते हैं फादर इन लॉ। सास को अंग्रेजी में कहते हैं मदर इन लॉ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।